दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब में। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है बच्चों के लिए लेके आया हूँ मैं। दो कंपनी में है, गवर्नमेंट कंपनी में है, जो आपको 1 साल की ट्रेनिंग करवाते हैं, सैलरी देते हैं और सर्टिफिकेट भी मिलता है 1 साल के बाद। एक अच्छा मौका होता है सिविल इंजीनियर्स के पास, इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो फ्रेशर सिविल इंजीनियर जो भी हैं तो कंप्लीट वीडियो देखो, अप्लाई कैसे करना है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, बेल में निकल के आ रही है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इसमें जो वॉक इन आपका सिलेक्शन रहेगा वो 5/3/2022 को रहने सैटरडे को रहेगा। और जिसमें अगर हम बात करें ग्रेजुएट जो रहेंगे बीटेक वाले, तो उनके लिए सिविल में 2 पोस्टें हैं। उनका इंटरव्यू कब होने वाला है, रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे आपका रहेगा, 11:30 से 12:30 बजे रहेगा और 5 तारीख को होने वाला है। फिर डिप्लोमा में अगर हम बात करें तो उनका, अगर हम बात करते हैं 2 पोस्टें हैं, उनका टाइमिंग रहने वाला है 2 बजे से 3:30 बजे तक उनका टाइम रहेगा। तो इसमें जो आपको डिमांड है इनकी, वो आपको अगर हम बात करें तो इसमें लोकेशन आपकी जो ट्रेनिंग की रहेगी या इंटरव्यू की रहने वाली है, वो रहने वाली है हैदराबाद में। सामने आप फ़ोन नंबर देख रहे हो, बार इलेक्ट्रॉनिक्स IE नचरम। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की है, इसको नोटिफिकेशन को अच्छे पढ़ते। और एक चीज़ ध्यान देना, 2019, 2020 और 2021 वाले इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉग करना पड़ता है MHRD NATS.government.in पे। इनकी वेबसाइट है ये, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ वेरिफिकेशन होती है, वहाँ चेक एनरोल। ये स्टेप, पूरे स्टेप इन्होंने दिए हुए हैं, ये जो स्टेप हैं आपको फॉलो करने हैं जब भी अप्लाई करना है। तो बेसिक रहेगा, उधर से आपको प्रिंट आउट निकाल देना है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको काम आएगा। वहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओगे, लेकिन उसके पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, 1 घंटे का होता है, ठीक है। ये हर एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में रहता है, किसी किसी में लेता है, किसी में डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनती है और आपको बुला लिया जाता है। तो आपके पास बहल में मौका है, 11,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको वो मिलेगा, स्टाइफन मिलेगा, डिप्लोमा वालों को 10,400 मिलेगा। तो दूसरी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग निकल के आ रही है विजेक स्टील में, 1 साल की ये भी आपकी रहने वाली है। तो इसमें अगर हम बात करें, स्टाइफन आपका रहेगा 9,000 पर मंथ, और किसके लिए, बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 रहने वाला है। और इंजीनियरिंग में 173 पोस्ट किसकी हैं बीटेक वालों के लिए, और डिप्लोमा वालों के लिए 33 पोस्टें हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है इसमें आपके लिए। 2019, 2020 और 2021 वाले जो पास हो गए हैं, क्लियर किए हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले MHRD NATS की वेबसाइट पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। देखो ये आपको सर्च भी करोगे ना आप MHRD NATS पोर्टल WW, यहाँ ये करोगे तो वहाँ पोर्टल आ जाता है, वहाँ जाके एनरोल करना पड़ता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होता है, मैं दिखा देता हूँ बाद में आपको, ये आ गया। फिर अगर हम बात करें इसमें जो उन्होंने ड्यूरेशन दिया, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रहेगी, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ MHRD इस पर जाकर जाना है, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपको ये गूगल फॉर्म मिलेगा, ये सामने गूगल फॉर्म मिल रहा है, तो ये आपको देना है। लास्ट डेट 10/3/2022 रहने वाली है। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस पे रहने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मतलब आपके एग्जाम पे जो भी मार्क्स रहेंगे उन पे आपका मेरिट बनेगा, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू बुलाएगा। इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर। तो ये भी जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए। मैं आपको गूगल फॉर्म भी दिखा देता हूँ इनका, तो उसके लिए देखो ये हमारी आगे नोटिफिकेशन आ गई, ये अप्लाई लिंक पे गूगल फॉर्म आपको दिख जाएगा। ये बायोडाटा आपने इसमें फिलअप करना है, देखो ये आ गया सब कुछ, यहाँ डिसिप्लिन लिख देना है कि इसमें बीटेक हो या डिप्लोमा हो, फिर नेक्स्ट करोगे तो आगे बेसिक फॉर्म रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, अभी आपने किसमें की है वो आपको सिविल डाल देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। तो बेसिक फॉर्म भर के आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, MHRD NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उस पर जाने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब क्लिक करेंगे फिर ये ओपन हो जाएगा हमारा। ओपन जैसे ही हो गया, फिर हमने चलना है बेल की जो रिक्रूटमेंट थी फ्रेशर्स के लिए, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे हमें, शायद मैंने लिंक डाला, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो नहीं, यहाँ पे भी जो फॉर्म है, तो आप डायरेक्ट सर्च भी करोगे MHRD NATS तो आपको वो मिल जाएगा। तो हम, मैं आपको गूगल पे भी दिखा देता हूँ लेके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ हम सर्च करते हैं NATS नेट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, ये आ गया। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे NATS, ये है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए लॉगिन का आता है, यहाँ रजिस्टर हेयर करना है आपको, जैसे रजिस्टर हेयर करोगे यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर ये चीज़ें आपको भर के अप्लाई कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट करो। थैंक यू गाइस।